स्माइल करो जल्दी। हस्बैंड वाइफ लड़ाई करके अलग अलग रास्तों पर चल सकते हैं, पर मॉम डैड उनके रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते। उनको तो वहीं आना होता है जहां उनके बच्चे की खुशियां हों। चर्च जा रही हूँ, जब तक कायरव की सर्जरी नहीं हो जाती मैं वहीं बैठ के प्रे करूंगी। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग बॉय वो टेडपूल, डर तो नहीं लग रहा? थी? आप दोनों आ गए हो, डर क्यों लगेगा? ऐसे क्यों पूछा? अब कहीं जा रहे हो फिर से? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, यहीं पर हैं। नहीं बेबी, कोई कहीं नहीं जा रहे। हैरफ के मम्मा पापा अपने बेबी के पास ही रहेंगे ना, हमेशा हर जगह। पापा वो देखो बच्चा चोर आंटी और दूसरी वाली आंटी भी। वो देखो वंश की मम्मी। वंश की मम्मा, वंश कहाँ पर है? वो नहीं आया? हम दादी हैं उसके पापा की, वो हमारा पड़पोता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हैवी बच्चा चोर आंटी, मैं तो दब जाऊंगा। अच्छा अच्छा बाबा, I'm sorry। बाकी कुछ भी बोलो लेकिन बच्चा चोर मत बोलो। तुम्हें पता है
अब तुम्हारे कौन रहे? प्लीज आप सब साइड में हो जाइए, कायरा को अब अंदर लेके जाना है। बिल्कुल मत डरना, ओके? हम सब यहीं पे, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। के बच्चे को देख भी नहीं पाए और मैम ये कंसर्न फॉर्म है, आप दोनों को इसमें साइन करना है। ये अब क्या लिखा है इसमें? ये कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हाथ से बाहर हो जाता है और भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप हॉस्पिटल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैम सर प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो दूर सोचा भी नहीं होगा, नहीं होगा तुम रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना। लगे दिल पे तेरो जैसी तेरी मेरी बातें सजना। ये इंजेक्शन मैम ने दिल्ली से मंगवाया है तो प्लीज इसे संभाल के ले जाना। ओके। ये इंजेक्शन क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड के पापा की ओपन हार्ट सर्जरी में इसका इस्तेमाल हुआ था। आजकल सब हॉस्पिटल्स एडवांस में मंगा के रखते हैं ताकि अगर इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़े तो लास्ट मोमेंट पे भागना ना पड़े। चलो अच्छा है ये लोग ख्याल रख रहे हैं, गुड प्रिपेयर्ड है। भगवान तेरे इसकी जरूरत ही ना पड़े। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। अब आप कहीं नहीं जा सकते बेटा, हम आपकी मम्मी पापा को यहीं बुला रहे हैं। वो दोनों मेरे पास रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल पूरा टाइम, यू डोंट वरी। अब हम अपना काम शुरू कर ले, आप जल्दी से आईज क्लोज कर लो। गुड। सर्जेंट अंकल। बोलो बेटा। मुझे आज ही घर जाना है, मुझे पापा के बिग फैमिली के साथ रहना है। आप मुझे जल्दी ठीक कर दोगे ना? आप बिल्कुल बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दूं और आप चले जाओ। देख सकता है कार्तिक कहां चला गया? तो यही होना चाहिए था। इट्स ओके गाइस, हम लोग हैं ना, वो नहीं देख पा रहा ये सब। पता नहीं और क्या क्या देखना लिखा है हमारे किट्टू की किस्मत में। कितना कुछ तो देख लिया, झूठा सच्चा हर तरह का।
किसने सोचा था 5 साल के लिए जिसके लिए वो हर पल तड़पा है वो मिलेगी भी तो इस तरह, और वो भी खुशी देने के लिए नहीं, सिर्फ दुख देने के लिए। बेचारा किट्टू, ना तो अपने बेटे के होने की खुशी मना सका, ना उसे सुकून से गले मिल सका। तो जो क्या बीत रही होगी उसे इतने सालों के बाद पता चला कि उसका एक बेटा है, और साथ में ये भी कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। दादी की तरह सोचते सोचते एक माँ की तरह सोचना भूल गई है आप शायद। कायरव की बीमारी का दुख उसके पापा को ज्यादा हो रहा है या उसकी माँ को, ये कोई नहीं तय कर सकता, और ना ही इस बात का इस चीज से कोई लेना देना है कि किसने किसके साथ कितने साल बिताए हैं, कौन किससे कितना दूर रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ, सब ठीक है ना? पल्लवी, सब ठीक तो है ना? जी, वेदिका कहाँ है आंटी? वो घर पे है सुरेखा के साथ। कैसी है ये पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑब्वियसली दुखी और परेशान ही होगी। वैसे कमाल है आपका बेटा भी, आप लोगों में से कोई भी उसे रोक नहीं सका, समझा नहीं सका। एनीवेज, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, अब मैं बीच में क्या बोलूं। सॉरी, जो हुआ उसके लिए हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, बट डोंट वरी, हम सब लोग हैं वेदिका के साथ। प्लीज आप मुझे पहले ये बताइए कि कायरव ठीक तो है ना? तुम उसकी माँ के साथ क्या बात कर रही थी? सब लोग कहाँ हैं अंकल? बेटा वो, हाँ सब लोग मंदिर गए हुए हैं। सब लोग कहाँ हैं मीना आंटी? बेटा वो लोग बाहर गए हुए हैं, पापा लोग ऑफिस और सारी लेडीज शॉपिंग करने। अमन अंकल ने कुछ अलग बोला, अमीना आंटी ने कुछ अलग बोला, इट्स मीन कोई तो झूठ बोल रहा है या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। पर क्यों, पर सब लोग गए कहाँ? भाई कायरव के पास तो नहीं गए, बिग ब्रो भी उसी के लिए भागे थे जल्दी जल्दी। सुनो ना छोटी ताई जी, बताओ ना मम्मा पापा कहाँ है? वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। This is not fair। पता नहीं, मानेगा भी कार्तिक की नहीं, ओटी की लाइट ऑन होते ही चला गया, देख नहीं पा रहा होगा। पर अगर ये नहीं देख पा रहा था वो कैसे देखेगा जो डॉक्टर पल्लवी ने कहा? जो भी हो, मुझे उसे बताना तो पड़ेगा ही, दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकेंगे, कौन देख सकता है अपने बच्चे को ऐसे। सबने तुम्हें बहुत मिस किया कीर्ति। हाँ बाकी सब अभी आराम कर रहे हैं, काफी थक गए। सुनो, मैं तुम्हारी बात उन सबसे करवा दूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। कृष्ण को बहुत सारा प्यार देना। बाय। झूठ बोला मैंने कीर्ति से, और क्या करता छोटी ताली, सच बता देता कि नायरा जिंदा है, कि उसने हमें इतने साल धोखे में रखा, वो टूट जाती छोटी ताली जिस तरह हम टूट गए। वो के लिए वहां छोटी दादी, उसे संभालने के लिए कोई नहीं है, और जिसको पता चला इसके बारे में वो परेशान हो गई। अरे लवकुश को जब पता चला उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। तुम्हारी बात नहीं है मुझसे? हाँ, जब कोई फोन नहीं उठा रहा था उन्होंने मुझे फोन किया, और पता नहीं कैसे छोटी दादी, उन्हें नायरा के बारे में सब पता था, पता नहीं किसने बताया होगा, शायद चाची ने, किसी स्टाफ मेंबर ने। छोटी दादी, मैं उन्हें झूठ नहीं बोल पाया,
नारा के एक गलत कदम की वजह से कितने लोगों को तकलीफ पहुंची उसे अंदाजा भी नहीं है। बचपन में भी उसने यही किया था, तब मामा पे क्या आंख खुसरी थी, वो ये अच्छी तरह से समझती। उसकी वजह से तो मामा पापा के बीच में तो डिफरेंसेस भी आ गए थे। उसके मन में कुछ होता है तो वो शेयर क्यों नहीं करती, हमेशा भाग जाती है। सवाल तो सिर्फ कार्तिक ने किया था, उससे होती तो उसी से ही होती ना, हमसे क्यों? हमने क्या किया था उसको? वो बच्चा, उसको इतने साल अकेला रखा, हमसे दूर, सबके प्यार से दूर। सब लोग यही समझेंगे कि कार्तिक का बदला उसके बच्चे से ले रही है। मन करता है उसे बिठाकर पूछू कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, पर अभी उसके लिए वक्त नहीं है। अभी हमारे सामने और बड़ा सवाल है, वो है कायरव की सलामती। अब ये सब भूल कर बस इसके लिए प्रार्थना करो कि कायरव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो ठीक होगा ही होगा छोटी दादी, आप देख लो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। हम सब मिलकर उसके लिए प्रे करेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।